नमस्कार, हम डॉक्टर परमजीत एंड योर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। कैसे हैं आप? सुबह क्षमा चाहते हैं, आज थोड़ी सी हो गई है देरी, और देरी का कारण ये है कि हम जो है हॉस्पिटल में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हो जाती है इमरजेंसी, और यहाँ वहाँ के इमरजेंसी में भाग दौड़ में हमें फिर थोड़ा वक्त आप लोगों का लेना पड़ता है और दूसरे पेशेंट को देना पड़ता है। इसी चक्कर में आज हो गया हम लेट आते आते, क्षमा चाहते हैं। बाकी पहले 10 लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों के साथ डिस्कस करना हम शुरू करते हैं अभी इसी वक्त, और लेट्स स्टार्ट। और प्लीज़ अपने अपने सवाल डाल दीजिए, और क्षमा, ओके, ये होगी आवाज़। आवाज़ चेक हो चुकी है और आपके सवाल भी आ चुके हैं हमारे पास। वेरी गुड। ऐश ईश सर, हाउ टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड पावर इन जिम, नॉट एबल टू लिफ्ट हैवी वेट्स, इट्स बीन 2 ईयर्स वर्किंग आउट इन द जिम, आइदर यू आर नॉट लिफ्टिंग प्रॉपरली और यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली और यू हैव सम डिजीज, क्रोनिक डिजीज़। ठीक है, ये 3 ही चीज़ पॉसिबल है। सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग के लिए यू नीड अ ट्रेनर, सेकेंड थिंग के लिए यू नीड अ न्यूट्रिशनिस्ट, थर्ड चीज के लिए यू नीड अ डॉक्टर। हम ये कंपल्सरी नहीं होता हर एक के लिए, बट बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू नाउ, इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम, और इस चीज़ के लिए आपको डिस्कस करना पड़ रहा है डॉक्टर से, सो इसीलिए यू शुड डू दिस। एक डॉक्टर के पास जाओ, हेल्थ चेकअप कराओ, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, डाइट बढ़ाओ, और अपने भाई साहब जिम इंस्ट्रक्टर के पास जाइए, उनसे अपना टेक्निक पे और ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ देखने से ही पता चलेगी, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा कि यही कमी है, यही प्रॉब्लम है। इसके बारे में आपने शायद पहले भी डिस्कस किया था, मैंने बता दिया था आपको कि पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, खून की कमी, थायराइड की कमी, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, प्रोटीन प्रोटीन की कमी, पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं, गलत तरीके से एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, ये सब रीज़न हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जी फॉर ज्ञान सर, मेरे लेफ्ट ईयर में सुराख है। ओके, तो नहीं होगी ना, मतलब हियरिंग लॉस तो नहीं होगा ना सर, प्लीज़ कोई सोल्यूशन प्लीज़। ऑलरेडी सुराख है आपके लेफ्ट ईयर में। अब हंसी से आ रही दोस्त, क्योंकि सुराख होना ईयर में अपने आप में एक छोटा लेवल पे हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम, सुराख का मतलब यह है आपके ईयर ड्रम जो है, पर्दा है, कान का पर्दा फटा है, कान का पर्दा फटा है और उसमें सुराख है, सो उसका मतलब है कि उसकी वाइब्रेशन क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। उसके ऊपर अगर आप ईयरफोन लगाते हैं और लाउड वॉइस सुनते हैं, तो वो भी कान के पर्दे फटे को और फाड़ सकता है, बिकॉज यू डोंट नो जो पर्दा फटा है वो क्लियर क्लियर ऐसे फटा है या उसमें एक तरेड़ है, यानी एक ऐसे ही हिस्सा है जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो और फटेगा और फटेगा। सो बेसिक चीज़ हैवी प्रेशर से हेडफोन लगा के कान में नहीं सुनना चाहिए, लोगों को तंग करो, स्पीकर लगाओ। ठीक है, स्पीकर स्पीकर बजाओ। ठीक है, और कुछ नहीं तो, और सोल्यूशन यही है, और सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन है ENT को रेगुलर चेकअप कराते जाओ। ठीक है, फैजान उल शेख सर, लास्ट 6 मंथ से पाल्पिटेशन होता है, 7 या 9 दिन में रिपीट होता है, ECG X-E-ray 2D को नॉर्मल है, और तो क्या स्ट्रेस टेस्ट करवाना ज़रूरी है, प्लीज़ सोल्यूशन बताएं। पाल्पिटेशन स्ट्रेस टेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको सबसे पहले हमारा पल्स वाला वीडियो देखना है। हमने समझाया है एक वीडियो में कि आप अपनी पल्स रेट कैसे गिन सकते हैं, बेसिकली इसके राइट साइड में यहाँ पे उंगली रख के आपको गिननी होती है, यहाँ पे 3 उंगली रख के तो गिन सकते हैं आप पल्स रेट, उसका वीडियो आप देख सकते हो, पल्स या नाड़ी, उसको नाड़ी बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें आप देख लेंगे कि वीडियो में पल्स कैसे देखते हैं। सारा दिन अपनी पल्स देखते रहो, गिनते रहो, 1 मिनट में कितनी है, 15 सेकंड में गिन के 4 से मल्टीप्लाई करो, 30 सेकंड में गिन के 2 से मल्टीप्लाई करो, और इस तरह से रिकॉर्ड रखो कि पल्स बढ़ रही है या सिर्फ महसूस हो रही है। अगर बढ़ रही है तब तो फिर कोई और जांच की जरूरत है, सिर्फ महसूस हो रही है तो उसके लिए कोई स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, होल्टर टेस्ट करा के देख सकते हो, होल्टर एक 24 घंटे लंबी ECG है, उससे पता चलेगा कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई इररेगुलर बीट या एबनॉर्मल रिदम तो नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपको तब पाल्पिटेशन हो रहे हैं। सो होल्टर नाम का टेस्ट करा सकते हो, होल्टर समझने के लिए होल्टर पे भी डिटेल वीडियो है हमारे चैनल पे, देख लीजिएगा। ऑलराइट, ऑलराइट,
अजीत अरजीत भट्टाचार्य सर, माय फादर हैज 80% स्टेनोसिस इन एलएडी, 80% ऑन ओस्टियम, नॉन डोमिनेंट एलसीएक्स, 90% डिस्टल, 90% 99% एलसीएक्स, गुड एलवी फंक्शन, ओवरऑल हेल्दी, इज बाईपास एंजियोप्लास्टी रिक्वायर्ड इमीडिएटली? इमीडिएटली नो, इट डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम. देखिए 80%, 80%, 90%, 99% के बावजूद उनका हार्ट जितना पंप करना चाहिए उतना पंप कर रहा है नॉर्मल. इसका मतलब कि हार्ट की मांसपेशियों को खून पहुंच रहा है. 90% ब्लॉकेज के बावजूद खून पहुंच रहा है का मतलब है कि ये 90% ब्लॉक एक दिन में, एक साल में नहीं बना है, स्लोली बना है, सालों में. सालों में जब ब्लॉक बनता है और इंसान जब चलता फिरता रहता है तो और कुदरती तौर पे आपके नेचुरल बाईपास बन जाते हैं. तो ये एंजियोग्राफी की सीडी देख के पता चलेगा कि इनमें से कौन सी नस है ये. हाँ, थोड़ा सा सिग्नल इश्यू हो गया था. दूसरी चीज जो पता चलेगी, आपके सिम्टम, मान लीजिए आपको चलने फिरने में हो रही है दिक्कत, तो चलने फिरने में सांस फूलना या छाती में दर्द होता है तो फिर आपको स्ट्रेस टेस्ट कराना चाहिए, या ट्रॉप टी का, ट्रॉप आई टेस्ट करा के पहले देखना चाहिए, ट्रॉप आई, कि उस समय जो दर्द हुआ वो हार्ट में कहीं माइनर लेवल पे डैमेज तो नहीं हुआ. अगर माइनर लेवल पे डैमेज नहीं हुआ तो फिर आप स्ट्रेस टेस्ट करा के देखते हो कि आपके हार्ट में उतना, या न्यूक्लियर स्कैन करा के देख सकते हो, पेट स्कैन या स्ट्रेस थैलियम करा के देख सकते हो. लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ है दोस्त कि 80% बंद है तो हार्ट अटैक का रिस्क है, यानी कभी भी वो 100% बंद हो सकता है. अगर उसको बाईपास है, अच्छा सपोर्ट है, कोलैटरल है, तो ही फिर उस नस को बख्श दिया जा सकता है. बख्श मतलब छोड़ दो उसको, कुछ नहीं करना. सो, इसका डिस्कशन सीडी देख के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आप करिए, दो तीन कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लीजिए. लेकिन मीनवाइल दवाई और मेडिकल मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस अति आवश्यक है. इन सब टॉपिक्स पे हमारे वीडियोज हैं. अर्जेंट इमीडिएट नीड बाईपास की तब है अगर ट्रॉप आई या ट्रॉप टी पॉजिटिव है, पेशेंट को छाती में दर्द है और हार्ट अटैक चल रहा है, तो फिर बाईपास जरूरी हो जाएगी उस समय, इमीडिएट अर्जेंट. एवियॉन 400 खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्किन अच्छी होती है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं. और कोई सिर्फ इससे नहीं होती, आपका डिहाइड्रेशन होगी तो भी हाइड्रेशन अच्छी चाहिए. ओके. प्रतीक सिंह सर, मुझे लाइट के अराउंड ग्लेयर दिखती है. ऑल राइट, लाइट के अराउंड ग्लेयर. ओके. आई स्पेशलिस्ट ने बताया आई में कोई डिफेक्ट नहीं है, आई साइड भी नॉर्मल 6x6 है. ओमेगा 3 फैटी एसिड और एक आई ड्रॉप 2 महीने हो गए ले रहे हूँ, अभी भी सब वैसा ही है. सजेशन, लाइट के अराउंड ग्लेयर दिखती है. देखिए कायदे से तो लाइट को देखोगे तो उसके अराउंड ग्लेयर तो दिखेगी दिखेगी, है ना. अभी मैं लाइट को देख के आपको देख रहा हूँ, एकदम से लाइट लाइट उठ के यहाँ आ जाती है. वो नहीं, लाल लाइट को देखो तो ये हो सकता है कि अब जाके आपने उसको ऑब्जर्व किया और अब उसको वो अचंभित हो गया आपकी, भाई ये क्या क्या मुझे बीमारी है, ये क्या दिख रहा है मुझे. ठीक है. अगर तो ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इन द सेंस हमेशा ही आपके विजन में एक लाइट अटकी हुई है या डार्क स्पॉट अटका हुआ है, तो फिर वो स्कोटोमा या ये क्यों बार बार थोड़ा सा रिकनेक्ट हो रहा है, क्षमा चाहेंगे. एक बार और इसको थोड़ा सा साइड करके देख लेते हैं, मे बी सिग्नल यहाँ बेहतर आ जाए. कोशिश करने में क्या हर्ज है. चलो लेट्स सी. रोहन सलवान, इज इट ओके टू टेक अश्वगंधा एंड शिलाजीत मिक्स पाउडर ट्वाइस अ डे टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन एंड डज इट हेल्प इन द कॉम्बो फॉर्म? डू इट, आंसर प्लीज टू हेल्प. भैया ऐसा है, टेस्टोस्टेरोन वाला हमारा वीडियो देखो, अश्वगंधा फिर भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, शिलाजीत में प्रॉब्लम है. शिलाजीत में होते हैं हैवी मेटल, क्योंकि वो एक तो ओरिजिनल मिलता नहीं, नंबर दो उसमें होते हैं मेटल. तो क्रोनिक लेवल पे लंबे समय में आपको हैवी मेटल लेने से लिवर किडनी डैमेज होगी. फिर बोलोगे पता नहीं यार, मैं तो दारू नहीं पीता, मेरा लिवर काहे को एंजाइम बढ़े हुए आ रहे हैं. ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है. नंबर वन रीज़न, मतलब नंबर वन तो नहीं कहेंगे, बहुत कॉमन रीज़न इंडिया में है यही सब मेडिसिन जो कहने को नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, लेकिन है उसमें लिवर हैवी मेटल्स होते हैं. हैवी मेटल्स तो लिवर ख़राब हो जाते हैं. कृपया कृपया अननेसेसरी चीज़ें मत लो. टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का नेचुरल बिना दवा के भी मेथड है, जाके देखो हमारा वीडियो टेस्टोस्टेरोन वाले, 2 वीडियो समझ जाएंगे. ओके. अश्वगंधा ले सकते हो.
ओके वसीम अकरम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोनल इंजेक्शन ऑन द चिकन एंड एग्स विच आर यूज्ड इन पोल्ट्री फार्म्स टू ग्रोइंग ऑफ देम। भैया अंडों को तो कोई इंजेक्शन नहीं लगता और एंटीबायोटिक नहीं लगता, ये तो हम आपको लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा है, जो आपको इंजेक्शन लगते हैं हार्मोनल इंजेक्शन ये फीमेल को, वो या एंटीबायोटिक लगता है फीमेल को, वो एंटीबायोटिक आपके खून में जाता है, अपना काम करता है, एक्सक्रीट हो जाता है। सेम वे वो एंटीबायोटिक आपको आपके प्रोजेनी यानी बच्चा, जब आप बच्चे हो तो उनके अंदर तब नहीं जाता कायदे से या कुछ ऐसी। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो हॉर्मोन्स का इफेक्ट है चिकन को या हैन को या मुर्गे को ग्रो करने के लिए जो देते हैं, ये इससे उसके ऑब्वियसली थोड़ी सी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ कम हो जाती है, इसलिए वो देसी मुर्गा नहीं रह जाता। लेकिन एज सच कोई ऐसा हार्म नहीं होता कि उसकी मसल के अंदर हॉर्मोन्स रह जाएंगे, आपको हॉर्मोन्स लगेंगे, आपको एंटीबायोटिक्स लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट होगा, एज सच कोई लिटरेचर नहीं है इसमें, डोंट वरी अबाउट इट। ये इसी का मैंने एक जो गाय भैंस वाला वीडियो बनाया था, उसका जो इंजेक्शन लगाया जाता है काउस एंड कैटल्स को, उसको जाके देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ, उनको ज़रूर दिक्कत होती है, जानवरों को, गरीबों को, ठीक है। सत श्री अकाल जी, एंडी कूल जी, सत श्री अकाल। ऑल राइट, स्टुअर्ट लेविस, मैस्टर्बेशन की वजह से आई वीकनेस ठीक नहीं हो रही है, बॉडी हमेशा एनर्जी लेस रहता है, क्या करूं? भैया ऐसा है, आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ये ला इलाज बीमारी है, इसका नाम है भय, इसका नाम है गलत फहमी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता, ठीक है। मैस्टर्बेशन करने से वीकनेस जोर नहीं होता, वीरे बहन बहाने से आप पूरी तरह से लिटरली रोज जाते हैं, पहाड़ भी चढ़ लेंगे, बहुत तंग कर रहे मैनू बहुत ज़्यादा, की करिए। एनीवेज, तो मैस्टर्बेशन करने से कोई वीकनेस नहीं आती, कृपया अपना टेंशन मत लीजिए, अपने और कारण ढूंढिए, आपकी वीकनेस का कुछ और कारण होगा। स्पाइसी फूड एंड बर्निंग स्टूल, बिल्कुल होता है जनाब, स्पाइसी फूड एंड बर्निंग स्टूल। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द स्पाइसेस व्हेन यू ईट देम? सोचो, मतलब आपने चिकन खाया या आपने राजमा खाए या आपने काले चने खाए, तो चने का क्या होगा? चने में प्रोटीन और टूट टूट के प्रोटीन और वो सब बन जाएगा, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स, तो वो सब अपने अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्पाइसेस का क्या होगा? स्पाइसेस के अंदर फिनॉल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, पॉलीफिनॉल्स है, वाइटमिन्स है, किसी और में है। जबान पे लगे के जो चीज़ तीखी लगती है, वो चीज़ जब आपके पेट में जाएगी तो क्या करेंगे आप? जबान पे तीखा लगो क्या होगा? घप्पा घप पानी सलाइवा बनाएगा आपका माउथ, बहुत ज़्यादा सलाइवा। तो आपको क्या लगता है अंदर जाके क्या होगा? आपके जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, है ना? सो इसलिए बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। जब आप तीखी चीज़ मिर्च यहाँ पे जबान पे रखते हो, लगाते हो ना, लिटरली मर रही होती है सुपरफिशियल लेयर, और सुपरफिशियल लेयर की डेथ से आपको तीखीपन मजा आता, किसी को मजा आता है, वो भाई बन जाती है, ग्रो होती है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? सो इसीलिए लाल लाल हो जाती है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है वहाँ का। सो इट्स एन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, जो यहाँ भी होता है अंदर भी होता है, इसलिए बहुत ही तीखा मत खाइए। बहुत ही तीखा खाते हैं फिर मीठा खाते हैं फिर ओबेसिटी हो जाए, यार ये कितनी बार हो रहा है यार, ये बार बार हैंग हो रहा है। इज इट सेफ टू टेक बीकासोल्स? हाँ इट्स सेफ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, बट नॉट फॉर योर लाइफ, है ना? बीच में एक बार B12 लेवल चेक करा लो, हजार हजार दो दो चार चार हजार हो जाए, मतलब 1,000 से। एंड नाउ माई स्टमक हैज कम, आना ही है भैया जंक फूड विदाउट गोइंग टू द जिम। विदाउट गोइंग टू द जिम जनाब, यू विल हैव टू कट डाउन ऑल योर कार्ब्स एंड जंक फूड, यू विल हैव टू स्टॉप ईटिंग ऑल द बकवास, अच्छा टेस्टी वाला फूड, एंड ईट
घर का टेस्टी वाला फूड, अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड नो फैट्स का डिक्रीज योर कैलोरीज, इसके लिए मेरे प्रोफेशनल टिप्स का एपिसोड 4 है शायद, जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो करिए। ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गए मैं भी जिम नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश करिए कि एक्टिव रहिए। सीढ़ियाँ मिले तो दौड़ लो, लिफ्ट मत लो, है ना, खाली जगह मिले तो कूद लो, एक्सरसाइज कर लो। देखो, जिम जाना जरूरी नहीं होता, एक्टिव रहना जरूरी होता है, ठीक है। योर बॉडी मेड टू बी एक्टिव, योर नॉट मेड टू जस्ट सिट डाउन और लाई डाउन, ठीक है। भगवान ने इसलिए बोला, जाओ बेटा आराम करो, उठना नहीं, दौड़ना नहीं, ठीक है, जिम तो बिल्कुल जाना मत, ऐसा नहीं बोला भगवान ने, समझे। एनीवेज, ओके, चिकन पॉक्स हो जाए तो, अबे यार भाग्य नीचे भाग गया, क्षमा चाहते हैं। हाँ, यूट्यूब बफर बहुत तंग कर रहा है, मुझे भी बहुत तंग कर रहा है यूट्यूब बफर। आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम, क्या है इसको, क्या है यार, कहाँ गया। चिकन पॉक्स हो जाए तो इसका जल्दी ट्रीटमेंट कैसे करें? इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, एंटीवायरल मेडिकेशन चलती है इसकी, तो वो भाई साहब डर्मेटोलॉजिस्ट देंगे, साइक्लोविर से लेके बहुत सारी आती हैं। मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा इस बारे में, चिकन पॉक्स की वो मेडिसिन जो डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, हम तो सीधा डर्मेटोलॉजी ओपिनियन कर देते हैं। सो आई थिंक यू शुड गो टू डर्मेटोलॉजी अगर आपको चिकन पॉक्स लग रहा है तो, ठीक है। बाकी इट्स अ वायरल इलनेस, अपने आप भी ठीक होती है, बस एंटीवायरल्स उसको थोड़ा जल्दी ठीक कर देते हैं। बाकी इट्स अ छूत से फैलती है बीमारी, तो आइसोलेट कर देना वो उस पेशेंट को, चिकन पॉक्स जिसको है उसको टच करोगे, टच टू टच फैल जाएगी, जय हो, ऐसा फैलती है, बहुत खतरनाक फैलती है वो। सर, मुझे वेस्कुलाइटिस होसिट चल रही है, लेकिन मुझे पेट में गैस बहुत होती है, ये मेडिसिन ली इतने सालों से उससे हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी, उसको कैसे ठीक करें? आप मेडिसिन तो है ही जो गैस बनाएगी, मेक श्योर करिए मेडिसिन को खाने के साथ खाएं, और मेडिसिन लेके एक गिलास पानी जो साथ में पीते हैं वो पी लें। बेसिकली एसिड डाइल्यूट करना है, खाना थोड़ा सा कम खाएं, ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा रहें और खाने को नहीं होगी या कम होगी, ठीक है। सर, नेचुरल बाईपास थेरेपी WFFIWC टिव है क्या? ये WFFWITIVE यानी इफेक्टिव लिख रहे थे आप, बहुत इफेक्टिव है जनाब, नेचुरल बाईपास थेरेपी तब इफेक्टिव है अगर आप खास रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों की नेचुरल बाईपास खुद हो जाती है। इसके बारे में मेरा वीडियो है, जाके देखिएगा, आपको समझेगा क्या है क्या नहीं, कितना इफेक्टिव है। राइट, सद्दाम हुसैन जी, सर जिंक पिनोपिकोलिनेट एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर क्या है ये? इज जिंक पिकोलिनेट 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर? आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, आई विल ऑल्सो हैव टू स्टडी, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में। 5 अल्फा रिडक्टेज इनिबिटर फिनस्टराइड है, और के बारे में, टीबी, देखिए ट्यूबर क्लोसिस ऐसी बीमारी है जो लिटरली लिटरली पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकती है। पहले जमाना था सिर्फ फेफड़ों को होती थी, अब वो आपके पेट के अंदर, आपके दिमाग में, आपके स्किन में, आपके लिम्फ नोड में, आपके कहीं भी हो सकती है ट्यूबरकुलोसिस, कहीं भी कहीं भी कहीं। और ये सिर्फ एक नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और दूसरे 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 बहुत सारे। सो दैट्स द पॉइंट, माइको बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्किन टीबी है, स्किन के ऊपर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, उसको स्किन टीबी बोलते हैं, और क्या, बस उसी के लिए भी वो भी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिकेशन ही लेनी पड़ती है। हेलो सर, एंजाइटी कम करने के लिए आप कहते हैं एक्सरसाइज करें, मगर जब एक्सरसाइज करें हार्ट बीट तेज हो जाती है और दिल में पेन जैसा शुरू हो जाता है, फिर क्या करें? सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सबा खान जी, सबसे पहले अपना हार्ट टेस्ट कराएं, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT। अगर आपका ECG, इकोकार्डियोग्राफी, TMT नॉर्मल है, उसके बाद एक बार हीमोग्लोबिन, थायराइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन, ये ज़रूर चेक कराएं, पानी ज़्यादा पीजिए, पहले बेसिक ठीक करिए। शरीर को मिलने वाले जो पूरी तरफ से लगना ही है, आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना ही जाना है, एक्सरसाइज का
मतलब ये है कि आपने अपनी फिजिकल क्षमता कल के मुकाबले आज थोड़ी सी बढ़ानी है, वो आप अपने क्षमता के अनुसार। आप मुझे ये बताइए कि बेड से खड़े होने में और खड़े होकर बैठने में क्या आपकी धड़कन बढ़ जाती है, क्या आपका ये सांस लेना मुश्किल हो जाता है? अगर ऐसा है तो आप भर्ती हो जाइए, अगर ऐसा नहीं है तो दिन में 10 बार बेड से या कुर्सी से उठना बैठना शुरू करिए सुबह 10, और फिर 15 हो जाएगा। जब एक लेवल आ जाएगा कि आप लोगों के मैं थक रही हूँ, तो उसको रोज़ कंटिन्यू करके एक लेवल के बाद, एक हफ्ता दो हफ्ते के बाद एक बढ़ाइए। इस तरह से एक्सरसाइज की जाती है। थोड़ा सा इस चीज़ में आप अपनी सूझबूझ ले जाइए, चिंतित मत होइए, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म काउंट, क्या भाई साहब क्या नवी कॉन्सेप्ट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, स्पर्म काउंट है, टेस्टोस्टेरोन चाहिए अगर आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने हैं, अगर आपका टेस्टिकुलर फंक्शन बढ़ाना है। टेस्टोस्टेरोन भी टेस्टिस बनाते हैं, स्पर्म भी टेस्टिस के अंदर है, मैच्योर बनते हैं, तो इसलिए अगर टेस्टिस खराब होंगी तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, स्पर्म काउंट भी कम होंगे। ये रिलेशनशिप है। डिफरेंस तो डिफरेंट ही है, वो दोनों सेम है ही नहीं, पहली बात। बीपी नॉट गेटिंग डाउन विथ कॉनकॉर, ओके, पहली बात तो बीपी रिकॉर्ड रखिए। कई बार ऐसा होता है जब हम गिनते तब ज़्यादा होता है और एक घंटे के बाद कम हो जाता है। सो हमें क्या करना है, अगर ज़्यादा है तो हर घंटा गिनिए और देखिए कितने घंटे ज़्यादा है, कितने देर तक ज़्यादा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लगातार एक दो घंटे तक ज़्यादा रह रहा है 140-150 के ऊपर, तो जो भी दवा आप ले रहे हैं और उसको अगर 4-6 घंटे हो चुके हैं दवा लेके, तो आप वो दवा आधी या पूरी रिपीट करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर टू बी सेफ साइड अपने डॉक्टर से बात करें, वो दवा बढ़ा देंगे, या फिर टेस्ट करेंगे कि आपको क्या एंजाइटी, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम है कि आपका ब्लड प्रेशर लो। आइए, हमारा ब्लड प्रेशर की स्टडी जोन में 45 वीडियो है, उन 45 वीडियो को आराम से स्टडी करिए, अपने जोन में डालिए और फिर समझ जाएंगे आपको क्या करना है। घंटे में बताना कितना यूरिन आया, ठीक है? देखो जी, हॉस्पिटल में एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, समझे? पेशेंट को यूरिन नहीं आया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। खैर, एनीवेज, ओके, बीपी नॉट। सर, हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल, आई हैव अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, मिस्टर पंक जैन, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। डार्क सर्कल के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जस्ट टाइप डार्क सर्कल बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब एंड यूल फाइंड द वीडियो इन इंग्लिश एंड इन द लैंग्वेज। सर, एप्पल सीड में साइनाइड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आप उसे खाते हैं तो मरते नहीं हैं, चिंता मत करिए। एप्पल सीड वैसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाते हो तो ऐसा नहीं कि मर जाओगे। ऐसे बहुत सारे सीड्स में साइनाइड होता है, एप्पल सीड में होता है, नो डाउट। सर, आई हैव यूरिक असाइड, यू हैव यूरिक असाइड, यूरिक असाइड ही होना चाहिए। यूरिक थोड़ा बढ़ भी जाए तो कुछ नहीं होगा, यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो चल जाएगा, चिंता मत करिए। यूरिक एसिड के लिए प्रोटीन को या दूध को बंद मत कर देना, आपकी पौष्टिकता और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड मॉनिटर करिए और मेरा यूरिक एसिड का वीडियो देखिए, बहुत सारे कारण हैं यूरिक एसिड बढ़ने के, ना सिर्फ दूध और प्रोटीन्स। दारू पीना बंद कर दो अगर पीते हो तो, उससे ही आपका शायद यूरिक एसिड खत्म हो जाए, यानी कि ठीक हो जाए। बाकी डाइट कंट्रोल करो, डैश डाइट फॉलो करो, उससे यूरिक एसिड बिल्कुल कंट्रोल होगा। विटामिन डी इंक्रीज करने के लिए आपको धूप में जाना पड़ेगा, अगर 15 मिनट की धूप में आप हफ्ते में 3 बार जाते हो तो आपका विटामिन डी बहुत ही बढ़ जाएगा, नॉर्मल मेंटेन रहेगा। 15 मिनट की धूप हफ्ते में 3 बार मेंटेनेंस के लिए, रोज 15 मिनट की धूप ले लो, बढ़ जाएगा, या फिर विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले। टूथपेस्ट इज ओके, टूथपेस्ट इज ऑलवेज ओके, डोंट वरी, खाना नहीं होता आपको, टूथपेस्ट को ओके, इतना टेंशन मत लो एक एक चीज में, टूथपेस्ट इज ओके, खाओ उसको, ब्रश करो और थूक दो, ठीक है, कुछ नहीं है। सिर्फ ब्रश से भी करोगे तो भी साफ होंगे दांत, सिर्फ अपना क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश डालोगे तो भी साफ होगे, बस इतना ही है कि आप कितने अच्छे से करते हो, अच्छे से करोगे तो बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे। अल्टीमेट चीज़ है कि खाना खाने के बाद कुल्ला ज़रूर करो, खाना खाने के बाद खाना चिपका रहेगा तो कितना भी तुम 10 घंटे के बाद टूथपेस्ट कर लो, वो 10 घंटे में डैमेज हो चुका। आपने खाना खाओ, जाके कुल्ला करो, बेसिक चीज़ खाना चिपका नहीं रहना चाहिए दांतों में गैप है, गड्ढा है, उसमें से खाना निकालो, कॉन्सेप्ट समझो, है ना। टूथपेस्ट कौन से कंपनी का, कौन सी क्वालिटी का, उसमें नमक होना चाहिए, उसमें काला नमक, उसमें कोयला, उसमें अब पता नहीं क्या क्या डालने लग गए, उससे कुछ नहीं होता, बेसिक से होता है, ठीक है। गुड इवनिंग सर, लिम्सी कैन बी टेकन विथ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड रेबेप्रोजोल, यस इट कैन बी टेकन, नो प्रॉब्लम।
देन पोहा इन पीसीओडी, यस यू कैन टेक पोहा, बट देन अंडरस्टैंड टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं. पोहा इज इक्वेलेंट टू राइस, इज इक्वेलेंट टू रोटी, इज इक्वेलेंट टू मैदा, इज इक्वल टू ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड लाइक मेड फ्रॉम मैदा, बेकरी से लेके बिस्किट तक. सो ये चीज, ये सारी चीज अगर वेट कम करना है तो मिनिमम होनी चाहिए. मिनिमम का मतलब इतना सा पोहा या एक कटोरी पोहा सुबह या एक कटोरी रोटी शाम को, बस दिन में 2 बार इतना ही खाना है आपने, बस बस, तभी वजन कम होगा, नहीं तो नहीं कम होगा. बाकी क्या खाओगे, पेट कैसे भरोगे? सब्जियां खाओ जितनी मर्जी, दालें खाओ जितनी मर्जी, चिकन खाओ, मटन खाओ, प्रोटीन खाओ, सोया खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो, समझ में आ रही बात? तब जाके वजन कम होगा. और क्या, तला हुआ नहीं खाना है, ऑयल्स एंड कार्ब्स ये दोनों कम रखना है, ठीक है? चलो 28 मिनट हो गए हैं, आज हम कोशिश करेंगे एक दो वीडियोस रिकॉर्ड करने की. अगर आप जाग रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, लाइव रिकॉर्डिंग होते देखिए कैसे होती है. इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और मैं वहाँ लाइव आऊँगा. मैं आपसे बातचीत नहीं करूँगा, मैं सीधा